उनसे रिलेटेड प्राइजेस जो उनको चाहिए होते थे, जो भी प्राइज उनको चाहिए होता था, तो उसके बारे में। एक लेडी जिन्होंने अपनी लाइफ में 5,000 कॉन्टेस्ट जीते, 5,000 कॉन्टेस्ट, उनसे रिलेटेड प्राइजेस जो उनको चाहिए होते थे, जो भी प्राइज उनको चाहिए होता था, तो उसके बारे में सोचती थी। उससे रिलेटेड कहीं से उनको किसी कॉन्टेस्ट का पता चलता था, वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी और वो प्राइस उनका हो जाता था, चाहे वो कोई वेकेशन हो या कई हजार लाख डॉलर का घर। ये सारा चेंज आया कब से? ये चेंज आया जब उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट। तो ये बुक वो लेडी ने पढ़ी जिनका नाम था हेलेन हेडसर। अब हेलेन ने सोचा कि यार देयर इज नो लॉस इन ट्राइंग, तो उन्होंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। अब उन्होंने सोचा इस फंडे को मैं अप्लाई कहाँ करूँ, कैसे करूँ। वो तो अपने आप में काफी खुश थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो उनके हस्बैंड के सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा था। उन्होंने वो न्यूज़पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोल दिया कि मुझे ये आउटबोर्ड चाहिए जो इस कॉन्टेस्ट में मिल रहा है। अब वो कॉन्टेस्ट था कोका कोला का। वो लेडी ने उसमें एक रीजन चाहिए था बस, आप अपने साथ कोक अपनी आउटिंग्स में क्यों लेकर जाना पसंद करते हो, आप अपना रीजन दे दो। 25 वर्ड्स में लिखना था। वो लेडी ने 25 वर्ड्स में अपना रीजन दिया और शी वॉज वेरी काम एंड कूल, शी वॉज समवेयर नोइंग। उनको ऑलरेडी पता था उस कॉन्टेस्ट को विन करने वाली है। फाइनली वैसा हुआ भी कि वो कॉन्टेस्ट उन्होंने विन किया। और उसके बाद उनको लगने लग गया व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब और क्या चाहिए, अब और क्या चाहिए। उनको इस तरह से मैनिफेस्ट करता देख के उनकी फैमिली को भी इंटरेस्ट आया और उनकी फैमिली ने भी उन लेडी से, हेलेन से, वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन मेथड सीखी और वो भी उसको अप्लाई करने लग गए और वो सभी लोग अपनी लाइफ में काफी कॉन्टेस्ट विन करने लग गए। कितना इंटरेस्टिंग होता है, और जब हम इस तरह की कोई भी रियल स्टोरी सुनते हैं तो हमारे मन में लगता है कि यार समथिंग इज पॉसिबल। हमारा जो ब्रेन है उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है पूरी सिचुएशन को। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि हेलेन ने इसके लिए एक 4-स्टेप मैनिफेस्टेशन मेथड बताई है। सिंपली मैंने अपने मैनिफेस्टेशन को उन्होंने डिस्क्राइब करा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव और उनके माइंड सेट पे काम करती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई बिलीफ ऐसा है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आप उनको चेंज करना चाहते हो, अपने बिलीफ्स को तोड़ना चाहते हो, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हेलेन की और उनकी 4-स्टेप प्रोसेस की जो उन्होंने डिस्क्राइब करी, और इसको उन्होंने नाम दिया स्पेक, SPEC, स्पेक। S stand for selected, means आपको जो भी चाहिए आप उसमें क्लियर रहो कि क्या चाहिए। अच्छा, इसमें हेलेन ने ये भी कहा कि मेरे मुताबिक इंसान हर वो चीज पा सकता है बशर्त कि वो क्लियर हो कि उसको चाहिए क्या। तो पहली प्रोसेस में अगर आप क्लियर हो चुके हो, इट्स वेरी इजी कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्टेड, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। अब प्रोजेक्शन में उन्होंने बात करी है विजुलाइजेशन की और इमेजिनेशन की, कि आपकी लाइफ में विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हो एज इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग इट, आप उसको विजुलाइज कर रहे हो जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, आपको जो चाहिए, जो कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट करा है उसका जो प्राइज है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, इट मीन्स आपने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। तो अगर आप इस तरह से उस चीज को विजुलाइज करते हो तो धीरे धीरे आप उसको प्रोजेक्ट करने लग जाते हो। तो यहां पर उन्होंने विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। लेकिन मैम हम विजुलाइजेशन में अच्छे नहीं है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अब 2 स्टेप्स हो चुकी है, फर्स्ट सिलेक्टेड, सेकेंड प्रोजेक्टेड, थर्ड एक्सपेक्टेड। वेरी क्लियर, जब हमने हमारे फेवरेट पर्सन को, हमारे किसी बहुत खास व्यक्ति को कोई काम, कोई सामान, कुछ बोला होता है, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई होती है, हम 100% एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो काम हमारा हो जाएगा, वो पर्सन हमारा काम कर देगा। दैट पर्सन कैन नेवर एवर लेट अस डाउन, वो इंसान हमें कभी लेट डाउन नहीं कर सकता। तो कुछ इसी तरह से आपका और आपकी डिजायर का रिश्ता बन जाता है कि वो आपको फिर लेट डाउन नहीं करती है। लास्ट स्टेप, कलेक्टेड, जब आप उसको रोज विजुलाइज करने लग जाते हो, आप नेचुरली उसको एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि ये तो होना ही है, आपका सबकॉन्शियस आपका वो खास दोस्त बन जाता है जो आपको कभी लेट डाउन नहीं करता।
अगर ये तीन स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो तो फोर्थ को तो होना ही पड़ेगा कलेक्टेड, कि जब वो चीजें फाइनली रियलिटी में आपकी आ जाए यू जस्ट कलेक्टेड। तो ये था उनका चार स्टेप सिंपल सा प्रोसेस। तो अगर आपने हेलेन की स्टोरी से कुछ सीखा है कि हाँ हम भी क्लेम कर सकते हैं, बाय द वे ये पूरी स्टोरी एक बुक में मेंशन है जिसका नाम है नेम इट क्लेम इट। ये उसमें हेलेन की बहुत सारी स्टोरीज है नेम इट क्लेम इट में, तो उनका यही था कि आप बस चीज को नेम करो और क्लेम करो, वो आपकी हो जाएगी। और अगर हेलेन की स्टोरी से आपने इंस्पिरेशन ली है, आपने मोटिवेशन लिया है और आप भी ऐसा करना चाहते हो तो कमेंट करो आई कैन, ये आपका क्लेम होगा कि आप भी ऐसा कर सकते हो। और अगर आपको ये छोटे छोटे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।